हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बता रहा हूं, आप शिवलिंग पर पूजा करने के बाद में अगर ये चीज अपने घर में ले आते हैं तो जीवन में कभी भी पैसे की परेशानी नहीं आएगी। तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पूरे विश्व में भगवान शिव जी की पूजा की जाती है। महाकाल उज्जैनी में भगवान शिव जी का प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और प्रत्येक गांव शहर में हर जगह शिवलिंग होती है जहाँ पर भक्त भगवान शिव जी की पूजा करते हैं। सभी अपनी अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान की आराधना करते हैं और उनसे वरदान पाते हैं। कई बार ऐसा होता है, इंसान बहुत मेहनत करता है, पैसा नहीं जुड़ पाता, कई परेशानी ऐसी आती हैं, घर में बरकत नहीं हो पाती, तो आपको कुछ काम करना है, थोड़ा सा काम करना है और आपकी ये परेशानी खत्म हो जाएगी। सबसे पहले आपको शिव मंदिर जाना है। शिव मंदिर जा करके और मैं जो सामान आपको बता रहा हूं, ये सामान लेकर के आप मंदिर जाएं और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करें। दोस्तों, आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ये उपाय बिल्कुल गुप्त करना है, किसी को बताना नहीं है। और जो सामान आप लाएंगे वह सामान आप अपनी तिजोरी में रखना है, यानी आपको गले में रखना है। ऐसा करने से कभी भी आपको धन की कमी नहीं रहेगी, कोई परेशानी नहीं आएगी और आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर सदा ही भगवान शिव जी की कृपा बनी रहेगी, कोई संकट आपके ऊपर नहीं आएगा। आपको सिर्फ थोड़ा सा काम करना है, छोटा सा ये काम जिंदगी बदल देगा आपकी। सबसे पहले आपको करना है 5 रुद्राक्ष पंचमुखी वाले और 5 गोमती चक्र और थोड़ी सी भभूति और इत्र, ये सामान आपको लेना है। आप शिव मंदिर जाएं, वहां जाकर के भगवान शिव जी की पहले पूजा करें, स्नान आदि कराएं, उसके बाद में आप महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए या ओम नमः शिवाय बोलते हुए एक एक रुद्राक्ष और एक एक गोमती चक्र शिवलिंग से टच कराते हुए रखते जाएं, शिवलिंग के ऊपर रखते जाएं, यानी जो पार्वती जी का रूप होता है वहां टच करके रखते जाएं। उसके बाद में भगवान शिव जी को भभूति लगाएं और इत्र डाल दें। भभूति इस प्रकार से लगाएं कि वो शिवलिंग पर ही रहे ऊपर और इत्र भी वहीं पर रहे। उस भभूति के अंदर ही आपको इत्र डालना है शिवलिंग पे। आप शिव चालीसा का पाठ करें या किसी भी मंत्र का पाठ करके थोड़ी देर वहां खड़े हो जाएं। खड़े होकर के आप वो रुद्राक्ष और गोमती चक्र उठा लें और जो भभूति आपने शिवलिंग के चढ़ाई है वो भभूति किसी डिब्बी में रख लें और सारा सामान लेकर के आप घर आ जाएं। घर आ करके आपको जो रुद्राक्ष और गोमती चक्र हैं वह पीले कपड़े में बांध करके गले में रख लें। एक रुद्राक्ष उसमें से आप पहन भी सकते हैं, वो स्वास्थ्य की, शरीर की रक्षा करेगा। और जो भभूति आप लाए हैं उससे आप पूरे परिवार के लगा सकते हैं, रोजाना आपका उसका टीका करें और घर में 4 जगह उससे स्वास्थ्य कार्ड दें, गुप्त जगह पे। इतना सा आपको काम करना है और फिर देखना, इतना सा करने के बाद में आपकी किस्मत बदल जाएगी और हर परेशानी, हर मुसीबत आपकी दूर हो जाएगी। बहुत प्रभावशाली और चमत्कारी उपाय है, आप करके देखें, आपको लाभ प्राप्त होगा और आप जब आपको लाभ प्राप्त हो तो औरों को भी बताएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। ओम नमः शिवाय।